till I get up. Time is barely on our side. बाबू सब लोगों को, ये इस चैनल की पहली वीडियो है। ये बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि ये जो दूसरा चैनल है ये मैंने क्यों बनाया है, इसको आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि करना है तो आप करें। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि सडनली लोगों को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट आने लगा है, सडनली लोगों को मेरी लाइफ के बारे में जानना है, और उन्हीं लोगों को जानना है जिनको प्रॉब्लम है, जिन लोगों को अपने काम से काम है उनको नहीं जानना है। तो मैंने सोचा कि फिर जब बताना ही है तो फिर ढंग से बताते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मेरा नाम नहीं था कहीं पर, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कहाँ जी रही हूँ, कहाँ मर रही हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब कोई ऊपर चढ़ता है तो नीचे खींचने वाले हजार हैं, तो ये उन हजारों के लिए वीडियो है। आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है तो ठीक है, जिस तरह से आपको जानना है उसी तरह से मैं बताती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और मैं क्या क्या करती हूँ। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, क्यों? क्योंकि आपसे बैठा जाएगा नहीं, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं उसके पास यही काम है, मैं हमेशा बोलती हूँ। कुछ लोग वो भी सब्सक्राइब करेंगे जिनको वाकई एक्चुअल में ये जानना है कि मैं हूँ क्या, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो है, ये चैनल है। कमेंट्स मैंने इसमें भी ऑफ कर रखे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की बातों के जवाब देने के लिए। मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपनी फैमिली में और अपनी भगवती की सेवा में। सेवा इन द सेंस मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो कराती है मेरी माँ भगवती कराती है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे मुंह में निवाला तक लेना नहीं आता, निवाला तो बहुत बड़ी बात है, माँ का दूध तक पीना नहीं आता। तो मैं उसी स्टेज पे हूँ या वहीं पर मैं हूँ कि मुझे नहीं पता मेरी माँ मुझसे क्या कराती है, लेकिन जो कराती है बहुत गजब कराती है। उसी का ये आज फल है कि मैं यहाँ हूँ, और कुछ लोग ऐसे दिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग ऐसे दिए जो मुझसे बहुत जलते हैं। तो दोनों के साथ टाइम स्पेंड इस चैनल के थ्रू होगा, बिकॉज मैं उस चैनल पे माँ भगवती की सेवा के लिए वो बनाया है, वो उसी लिए है। इस चैनल पे आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में देखने को मिलेगा, ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मैं अपनी पर्सनल लाइफ दरबार कैसे, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ, मेरी पसंद नापसंद, खाना पीना, उठना बैठना, जिस चीज़ में आप लोगों को इंटरेस्ट है वो सब इसमें होगा। कमेंट्स बॉक्स जो है वो ऑफ है, इसलिए अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे मेल करेंगे, और जो मेल मुझे ज़रूरी लगेगा मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अभी एक्वेरियम को लेकर ही क्यों वीडियो बनाई है, तो उसके लिए ये है। अधिकतर लोगों को पता है कि मेरे पास पेट्स हैं, डॉग भी हैं, फिशेस भी हैं, तो इससे आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा कि मैं बहुत बड़ी नहीं कहूँगी, छोटी सी एक पेट लवर हूँ। मुझे पेट्स पालना बहुत पसंद है, उनकी केयर करना बहुत पसंद है, और जो लोग फिशेस रखते हैं उनको पता होगा कि इनकी केयर में कितना टाइम जाता है। सेकंड, जो लोग डॉग्स रखते हैं उनको ही पता होगा कि इनकी केयर में कितना टाइम जाता है। तो ये भी मैं टाइम टू टाइम धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। अब आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना है तो शेयर भी करें। जय माता दी।